बस ये देखने के, मैं बाद में काम करके सोच रहा था कि हो कैसे गया। एक तो इतना काम शुरू करने से पहले सोचता कि हाँ होगा कैसे, नहीं हाँ हाँ पता नहीं क्या क्या मैंने मौला का कर रहा मैं, कि मैं बस करता हूँ ना, मैं कहता हूँ बस ये काम हो जाए। इजाज़ भाई, सैयद इजाज़ हुसैन जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है, बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि जो फिल्म पर्दे पे नज़र आ रही है उसके पीछे कितने सारे लोग मिलके कितना ज़रूरी ज़रूरी काम कर रहे होते हैं। और उन बहुत से ज़रूरी कामों में से एक बहुत ज़रूरी काम है आपका, ड्रेस मास्टर। ड्रेस मास्टर क्या करता है? ड्रेस वगैरह मैनेज मैनेज करता है तो उसको, मतलब कोई उधड़ जाए तो उसको उसको सीना है, ऑल्टर करना है, कभी तो नए सिरे से, मुझे याद है सीना भी पड़ता है, जी, ऐसे और ही उसको रेडी रखना। वो जब एक्टर एक दफ़ा पहन लेता है उसको बिल्कुल दोबारा उसकी वॉशिंग को, उसकी ड्राई बिल्कुल क्लीनिंग को, वो सब काम करना। ठीक है। तो ये कितना अरसा हुआ एजाज भाई आपको काम करते मुझे हुए? ये काम करते हुए हो गया तकरीबन 24 साल हो गए मुझे, 24 साल। 24 साल। और इसमें और फिल्में ड्रामे कितने शामिल हैं? ये फिल्म तो मैंने कमली मेरा से फर्स्ट किया, उसके अच्छा अलावा जिंदगी तमाशा का मैंने काम किया था, हाँ और एक आपने ड्रामा सीरियल बनाई थी आखिरी स्टेशन, हाँ उसमें तो आपके उसमें साथ, भी मैंने हाँ काम किया था, लेकिन साथ नहीं था। ठीक है, फिर उसके अलावा माजिद बेग, आप इसको जानते हैं, ये हाँ इसके रेफर से मैं इधर पे हाँ इंटर हुआ था, हाँ तो ये मेरे से छोटे छोटे काम करवाते थे ये, हाँ तो बहरहाल ये कि मुझे खुशी होती थी। फिल्म पे कमली पे तो मुझे हाँ ज़्यादा मज़ा आया, और डिसार्ट भी बहुत हुआ था, मैं जिसकी वजह से बीच में से निकल के आ गया था मैं, डिसहार्ट क्यों हुए थे मुझे वो किस्सा बस बिल्कुल, टाइमिंग कुछ ज़्यादा थी, टाइमिंग ज़्यादा थी मुझे याद है, टाइमिंग आप ज़्यादा बीच में थी, थकना शुरू हो गए थे, बहुत ठीक है जाहिर ना। बात है। तो बस लेकिन फिर वापस भी आ गए थे मैं आप, आ गया था, वापस वापस आ आ गया गए था, थे, दिल नहीं वजह लगा पर था ना आपका? भी नहीं, फिर बस पता नहीं क्या बात है कि क्या जादू टोना किया हुआ कि मना नहीं होता, है इजाज़ भाई ना। लेकिन आपकी वैसे फिर मुझे मतलब 3 दिन के बाद में ये कवल मुनियापी का फोन आया कि एजाज भी इस तरह, तो आप यकीन नहीं करा लेकिन मैं इतना डिसार्ड था, लेकिन मैंने फिर भी ना नहीं की कि काम के आवर्स मैं कहा बहुत लंबे हाँ थे मुझे मैं आ याद है, जाता शुरू हूँ, में बहुत सख्त थे दिन ठीक है ना। हमारे तो ये लगी है कि शुक्र है कि बड़ा अच्छा इजाज़ भाई। आप कर मतलब आपकी वैसे मतलब प्रैक्टिस या जो तजर्बा है वो किस चीज़ में, आप टेलरिंग करते मेरा हैं? तजर्बा, मैं पता नहीं क्या बात है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा इस काम के अंदर जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ऑल्ट्रेशन का होता है। ऑल्ट्रेशन देखने को का, ऑल्ट्रेशन कुछ भी नहीं होती, लेकिन ऑल्ट्रेशन बड़े मायने रखता है कि आप अक्सर किसी दुकान पे लेके जाएं या किसी डिज़ाइनर के पास लेके जाएं, काम ख़राब हुआ हुआ तो वो सोचता है कि करूँ कि ना करो कि करूँ, ना और उसको करो, काम करने मायने रखता है, राइट राइट। ठीक है और बड़ी ना। दफ़ा ये होता है कि और मैंने बड़े बड़े ब्रांड पे काम किया है, सादिया मिर्ज़ा पे काम किया है, हाँ लाजवंती, और उसके अलावा भी काफ़ी, और अब तो ये है कि वो लोगों के साथ काफ़ी देर से अटैच हूँ, तो मैं कई लोगों को बताता हूँ ना कि मैं वो लोग पे इस तरह में काम करता हूँ, तो लोग हैरान होते हैं, बल्कि मेरे एक टीचर स्कूल टीचर हैं, हाँ ठीक है ना, वो बहुत अच्छी हैं हाँ वो, उन्होंने मैंने एक दफ़ा उनसे मेरे पूछा कि जी के कह रहे इजाज़ क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा जी मैं इसी तरह काम कर रहा हूँ, तो वो हैरान हुए, कह रहे यार वाकई आपका सलमत खुसर, कमल खुसर, तो ये इरफान खुसर से लिंक है। मैं कहा अलहमदिल्ला, मैं कहा इन्होंने तो हमें इस तरह रखा हुआ जैसे हम फैमिली हैं, एक तो होता है ना कि जाहिर हम बात है लोग घर के फैमिली बन गए हैं। हैं, मैं कहा हम तो अपने घर में अपने भाइयों के कमरों में उस तरह जाते हैं जैसे हम दफ्तर के अंदर फिर रोते, इधर जा उधर जा ये कर वो कर, तो वो बड़े हैरान हुए सुन के, ठीक है ना। लेकिन ये कि इस मुकाम पे लाने के लिए मेरे बड़े भाई, मेरी वालदा की बड़ी, उनकी तो कोशिश पढ़ाई के मामले में बड़ी थी सही कि ये सही पढ़ ले ये, लेकिन ये कि मैंने काम में भरपूर कोशिश की नहीं, देखिए तो आप उसका अपना काम मुझे जितनी मेहनत से करते मुझे उसका हैं, सिला मिला, बकाया ऊँची चीज़ तो होती रहती है ज़िंदगी के अंदर, भाई नहीं शुक्र बिल्कुल। और देखिए मौला का जो करम है। ड्रेस मास्टर की जॉब इतनी अहम है कि ज़रूरी नहीं हर कॉस्ट्यूम जो है आप सिलवा सकें, रेडीमेड चीज़ें भी होती हैं जिनको ऑल्टर करना होता है बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले ऐसी फिर। बात, और कई दफ़ा वही होता है कि कुछ सीन ऐसे हैं जी उसमें कोई कपड़े गीले हो रहे हैं या कपड़ों को मतलब कुछ गिर रहा है ऊपर, उसको बार बार उसके चेंज और आप करके, यकीन के सरमत भाई ये काम करना जो ना, मैं करने के बाद हैरान होता हूँ हो कैसे गया, हो हालांकि ये कैसे काम गया? मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एनी हाँ टाइम पे, और सर्दी के अंदर कपड़े हाँ को, और ऐसा भी हुआ कि मुझे बाजी ने कहा कि जादवी के सारे ड्रेसिंग सुबह धो के लेके आना, ये माया के ऊपर हाँ ऐसा हुआ हाँ था कि जादवी सारे सानिया बाजी के ये धो के लेके आना, आप यकीन नहीं करें कि मैं सारी रात 11 बजे मैं उधर से ये सब सामान लेके निकला, और रात को मैंने धोया, स्पिन किए हैं, फिर हीट किए, तो लेके आया हूँ मैं, तो मैं हैरान हुआ कि 4-5 घंटे के अंदर ये कैसे और हो गया, कॉस्ट्यूम तो कितनी बड़ी, जब वो खास तौर ठीक पे है ना कंटिन्यूटी में फंस जाता है फिर जी। वो कितनी जिम्मेदारी होती है, इसका रंग नहीं उतर सकता,
यानी उसको धोया भी उस तरह नहीं जा सकता जैसे आम कपड़े को आप धोते हैं, मतलब आपको ख्याल रखना पड़ता है कि ये अब वैसा ही रहे थ्रू आउट। बिल्कुल, और बस ये देखने के मैं बाद में काम करके सोच रहा था ये हो कैसे गया, एक तो इतना काम शुरू करने से पहले सोचता कि होगा कैसे, नहीं पता नहीं क्या है कि मैं मौला का कर रहा मैं कि मैं बस करता हूँ ना, मैं कहता हूँ बस ये काम हो जाए तो फिर मैं कोशिश करके कर लेता हूँ, यानी कि ये समझने के वक्त को जो है ना गुजार देता हूँ कि जैसे कि अब एक घंटे में या आधे घंटे में एक बंदा मैनेज करना काम करना तो बड़े मायने रखता है, लेकिन ये मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह आसरा कर देता है। कमली में सबसे मुश्किल दिन कौन सा था कॉस्ट्यूम के हवाले से? कमली जब ये कमल बाजी ने वापस रिटर्न दोबारा तो मुश्किल हो गया था। मुश्किल नहीं, वो ड्रेस बनाना था वो निमरा वाला, तो सब सवा कमल भी हैरान हुई जब मैंने बना दिया, कह रही वाकई बन गया, मैंने जी बन गया जी, जो मैं बता रहा हूँ उस वक्त जो भी मैनेज हुआ, और हम कहाँ जंगल बियाबान में रह रहे थे, वो सब कुछ मैं नल की एक्स्ट्रा लेके गया, मशीन तो मेरी उधर पे थी मटेरियल जो सब कुछ था मैं एक्स्ट्रा ले गया, गया मुझे याद आ गया, ये पहले स्पेल की बात है, ये पहले स्पेल की बात है, हमने ये काम किया था, ये उसमें शादी के गाने वाला, शादी के गाने वाले पे हमने किया था, जो निमरा का जो वो ऊपर का जो टॉप था वो जो जो भी वो उसको कहते हैं वो चोली कहते हैं ना उसको, जो कुर्ता सा होता है छोटा। हाँ जी, तो बट राज भाई जब आप अब सोचते हैं, वही आप जैसे कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आता, लेकिन जब अपना काम आप देखते हैं, और एक दफ़ा हमें यही लगता है कि वो हमारे काम को तो शायद कोई जानता भी नहीं कि हम ये हमने ये काम किया, वो फीलिंग क्या होती है, लेकिन क्योंकि आपको पता है और आप लोगों को बता सकते हैं कि ये काम, मैं आपको बताऊँ ना, अल्लाह का शुक्र है अच्छी जगह पर काम किया ना, तो कर करके जो है एक आदि नहीं हो जाता। मेरा कज़न है लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कराची में होते हैं, तो वो मेरे से एक दफ़ा पूछे कि क्या करते हो आप, दर्जी की दुकान है, मैं कह नहीं मैं इस तरह प्रोजेक्ट करके आया हूँ, तो वो परेशान हो गया, करे कैसे किया, मैं कहा शुक्र है कई है, मैंने आपको बताया ना कि कई काम ऐसे होते हैं कि करने के बाद जहन में आते हैं कि यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो मेरे मौला का ही कलाम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप तो खतरनाक आदमी हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि मतलब खासतौर पर मैं तो हमेशा ही कहता जब आप मेरी वेस्ट ले नाप लेना शुरू करते हैं, मैं कहता हूं इनको मेरी वेस्ट पता है। इस आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा मेरे पास नाप जो लिखे हुए ना वो आपकी और सानिया बाजी के क्योंकि हर थोड़े दिनों हर क्योंकि अब हर हर ड्रेस का ना अलग एंगल होता है, तो बिल्कुल ठीक है ना, बकाया तो होता है कि हो जाता, लेकिन एक और चीज भी है कि कई दफा माँ जी या कौन बाजी कहेंगे ना कि फला का ड्रेस बनाना, माँ जी बस मुझे बता दें कैसे, सरनो भाई जैसे सनी जैसा है, आप यकीन करें जैसा ठीक है, हाँ जा तो कैसा करने से मैं बना के ले आता हूँ, वो उसको परफेक्ट आ जाता है, और बाद में कैसा होता है कि मैं बार बार ना पर होता हूँ, लेकिन मैं कई दफ़ा ऐसा होता है मैं काम को आसान समझता हूँ कि ये काम आसान है, दो मिनटों में हो जाऊंगा, आप यकीन करो दो दिन में नहीं होता वो काम, सही बात, और जिस काम को मैं सोचता हूँ ना कि ये मुश्किल काम है वो बड़े आसान तरीके। मैं सिर्फ आपका बहुत सा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये काम टीम से होता है, सारी टीम का एक नियत से काम करने से ये काम ख़त्म होता है, वरना ये नहीं होता, वरना बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं शुरू होते हैं ख़त्म नहीं होते, बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लोग खफा इतने हो जाते हैं एक दूसरे से, तो मुझे लगता है उनकी वो एनर्जी बीच में शामिल हो जाती है जिससे चीज़ में बस बदमजगी आ जाती है, लेकिन आपके साथ काम करके हमेशा मज़ा आए, और अल्लाह करे कि हमारा जो साथ है ये ऐसे ही चलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमली उतनी आपकी फिल्म है जितनी मेरी है, तो बस आपको भी खुश होना चाहिए इस बात पे कि कमली को लोग कितना प्यार दे रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला, और एक बात मैं भी करना चाहूँगा, बस जो बंदा जो काम कर रहा है ना उसको बस मुखलिस होकर काम कर रहे ना, काम कभी जो है ना मुश्किल नहीं लगता, नियतें बड़ी, हालांकि काम के दौरान डिसहार्ट हो जाता है, यकीन नहीं करो 18-18-20 ये माया के ऊपर कई दफ़ा बहुत बहुत घंटे यकीन नहीं करो कि वजन नहीं हो जाता, लेकिन क्या कि जब अगर निकल जाता है तकलीफ का ही मरला होता है ना किस्म का, कोई बीमारी आए वो सही हो जाए तो फिर बंदा भूल जाता है, तो ये गुजर जाती है तो फिर वही रूटीन बन जाती है, वक्त गुजर गया फिर आगे का इंतजार होता है कि कोई बेहतर, अब दोबारा अजियत और तकलीफ कब मिलेगी, रोजगार है, अल्लाह ताला आपके रोजगार में भी बरकत डाले, और बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके लिए दुआ बहुत करते हैं, हम बहुत शुक्रिया, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं कि कई लोगों का रोजगार मुंसलिक होता है, कहते हैं ना कि कोई कारोबारी बड़ा कारोबारी जब अपने पैसों को हिलाता है तो पता नहीं कितने दिनों का सिलसिला बनता है, ये हकीकत बात है, अल्लाह देने वाला है और वसीला इंसान बनता है, उसके अलावा हमारी भी दुआ है कि आप खुश रहें, थैंक यू सो मच, थैंक यू।